भी वहाँ चल गया। महंगे होंगे ना ये चीज़ें सारी, क्योंकि ये महंगी तो होंगी यार, टूरिस्ट प्लेस महंगा ही होता है। ये तो बात के बने लग रहे हैं मुझे। ये लाल संगमरमर होगा, ये कौन सा लाल संगमरमर तो है ये? ये जो लगा है इधर, ये जो लगा है ये क्या है बीरी? अरे ये तो वो खाने बोल सकते आओ यहाँ से आओ। आ गया आ गया। और ये भारत का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो प्लेस है ना, उसमें से एफएस का घर भी इधर ही। ग्रीनरी तो इतना अच्छा कर रखी, देखो चारों तरफ से इधर से उधर से पेड़ लगा रखे हैं। एक तो पहले ही था ये जो चार बाग तकनीक टाइप की होती थी एक उस टाइम पे, तो क्या होते थे कि जो महल बनाते थे, जिसको बनाते थे मुगल, और उसके चारों तरफ से बाग का निर्माण करते थे, उसी को हम चार बाग कहते थे। तो ये तकनीक होती थी यहाँ पर एक। और देखो सामाजिक वानिकी वन प्रभाग आगरा, यहाँ पर IFS आदर्श कुमार और DFO कार्यालय है इधर। देखो ग्रीनरी से कितना अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती तो फिर कौन आता है? कुछ नहीं होगा ग्रीनरी, और इसी की वजह से यहाँ थोड़ा भी मार्केट में जितना गर्मी हो रही थी यहाँ थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ थोड़ी कम हो रही है तो क्योंकि ये आसपास बहुत ज़्यादा यहाँ पेड़ लगा रखे इन्होंने, और उसी की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। इंद्र शर्मा निवास निवास स्थल है इधर, देखो ये सारे चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हो रहे हैं। और यहाँ तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब सात अजूबों में से एक है, ये सात अजूबों में से एक है, उनमें से मतलब सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं यहीं पर आते हैं ताजमहल में। और लगभग ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था, लेकिन इससे 16वीं सदी में बनाई है, 1632 बोला जाता है कि 1632 के आसपास उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, और लगभग 1650 के आसपास 48-50 में उसने कंप्लीट किया है। ऐसे ही है बुकों में, फिर तो इतने साल लग गए इसको बनाने में, और इतना अच्छी इमारत बनाई उसने कि लोग उसको दूर दूर से आते हैं अभी भी। और ये जो छोटे छोटे लगे हैं ये टूरिस्ट के लिए लगे हैं, जो पैदल नहीं जा सकता वो इनमें बैठ के जाएगा। और पुलिस भी लगी यहाँ पर, UP पुलिस है। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक बस होंगी, इलेक्ट्रॉनिक बस से ये होता है ना कि पॉल्यूशन भी नहीं होता और ठीक होती हैं। आजकल तो आते इलेक्ट्रॉनिक चली गई हैं सभी जगह, अब तो बोल रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल वाली बसें हैं वो हैं वो सारे हटा देंगे, अब यही चलेंगी इलेक्ट्रॉनिक बसें, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होगा और इन्वायरमेंट को हम बचा पाएंगे। अब आ गए हम गेट पे, देखो अंग्रेज भी ऐसा